नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्चने। आज हम चर्चा करेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक क्यों लगाई। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल जजमेंट आता है, जिसमें कहा जाता है कि उसने चुनावी बॉन्ड योजना यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक अर्थात अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है और साथ में उसे कैंसिल भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्शन 91A के सूचना के अधिकार का पूरी तरीके से वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को विद इमीडिएट इफेक्ट ही चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश भी जारी कर दिया और साथ ही SBI को 31 मार्च 2024 तक चुनावी बॉन्ड्स की पूरी डिटेल साइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये चुनावी बॉन्ड होते हैं जिनकी अवधि केवल 15 दिन की होती है और इसका इस्तेमाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको डोनेशन देने के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% का वोट हासिल किया हो। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे देती हैं और पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड्स को एनकैश करा करके रकम हासिल कर लेते हैं। इस स्कीम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि डोनर की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखते हुए SBI से 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए जा सकते थे और अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI की 29 ब्रांचेज को इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने और एनकैश करने के लिए ऑथराइज किया गया था। इस लिस्ट में मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, बंगलौर, भोपाल, गुजरात, रांची, पटना, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़ आदि की ब्रांचेज शामिल थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कब लाया गया। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पार्लियामेंट से पारित किया गया था और उसी साल फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक के द्वारा 2 जनवरी 2018 को इसको नोटिफाई भी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल डोनेशन में ब्लैक मनी को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना लाई है। जिस समय यह योजना लाई गई थी उसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग अर्थात राजनीतिक चंदे में साफ सुथरा धन लाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसमें डोनर के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड कितने के खरीदे हैं और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को यह भी बताना होगा कि उसने उसे कुल कितना डोनेशन मिला है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी का उपयोग को रोकना था। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब चंदा जो है चेक के द्वारा या रसीद के द्वारा लिया जाता था। इसमें बहुत सारी खामियां थी और जिसे दूर करने के लिए ही चुनावी बॉन्ड लाए गए और अब चुनावी बॉन्ड में भी बहुत सारी कमियां पाई गई हैं जिसकी वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है अर्थात रद्द कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही।